वर्ल्ड कप में मेरी हार के बाद टीम इंडिया के सारे प्लेयर्स गाइस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। सबसे ज्यादा गाइस रोहित शर्मा का हार्ट ब्रेक हुआ क्योंकि वो टीम के कैप्टन है, वो लीड कर रहे थे फ्रंट से टीम को। देन गाइस अब यहां पे सब अपडेट सामने आ रहा है, द बीसीसीआई हैज टोल्ड विराट कोहली एंड रोहित शर्मा टू डिसाइड ऑन देयर फ्यूचर इन टी20 आईज बाय देमसेल्फ। सो बीसीसीआई ने यहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली की पूरी अथॉरिटी यहां पे दे दी गई है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपका टी20 में क्या फ्यूचर है, कि आप खेलना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। विराट कोहली के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया था, बट यहां पे रोहित शर्मा के बारे में अपडेट सामने आ रहा है। रोहित शर्मा इज अनलाइकली टू प्ले टी20 इंटरनेशनल एनी मोर, ही हैड डिस्कस्ड हिज फ्यूचर इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम Before the start of the ODI World Cup. Does this mean no hitman at the T20 World Cup in 2024? Reports के मुताबिक रोहित शर्मा ने World Cup शुरू होने से पहले ही कहा था protest format में उनका ज्यादा focus नहीं है, उनका focus सिर्फ था ODI World Cup को जीतने में। But guys, unfortunately हम final stage में जाकर के हारे, हमारी टीम ने पूरा dominate तो किया but guys trophy नहीं उठा सकी। तो guys यहाँ पे बहुत ही बुरी न्यूज सामने आई है, शायद रोहित शर्मा में T20 World Cup में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हार्दिक पांड्या के बारे में। IPL 2024 का ऑक्शन बहुत ही जल्द होने वाला है, जिससे पहले काफी सारे रूमर्स वगैरह बाहर आने लगे हैं। तो guys यहाँ पे सब अपडेट सामने आया, अकॉर्डिंग टू रूमर्स कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या कुड बी हेडिंग बैक टू मुंबई इंडियंस। तो गाइस यहां पे ऐसा रूमर सामने आया कि हार्दिक पांड्या को शायद मुंबई इंडियंस की टीम वापस बैक कर सकती है अपनी टीम में, पर मुझे ऐसा लगता है गाइस ये बिल्कुल फेक रूमर है, क्योंकि गुजरात की टीम ना ही इनको रिलीज करने वाली और ना ही इनको ट्रेड किया जा सकता, क्योंकि गाइस गुजरात टाइटंस के कैप्टन है। देन इसके अलावा गाइस एक और रूमर यहां पे सामने आया था, एज पर रिपोर्ट्स रोहित शर्मा और जोफ्रा आर्चर कैन बी ट्रेडेड फॉर हार्दिक पांड्या बाय मुंबई इंडियंस। क्या मुंबई इंडियंस की टीम रोहित शर्मा को ट्रेड कर सकती है हार्दिक पांड्या के लिए? तो गाइस यहां पे ये रूमर तो बिल्कुल फेक है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम रोहित शर्मा को तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करने वाली है हार्दिक पांड्या के बदले। इसके अलावा गाइस और भी काफी सारे रूमर्स बाहर आने वाले IPL 2024 का ऑक्शन से रिलेटेड। सो गाइस पूरी कंफर्मेशन न्यूज़ जानने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। नेक्स्ट बात करने वाले गौतम गंभीर के बारे में। सो गाइस ये न्यूज़ तो काफी तेजी से पहले वायरल हुआ भी था कि गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ने वाले हैं। यहां पे अब ऐसा अपडेट सामने आया, गौतम गंभीर रिटर्न्स टू KKR आफ्टर 6 ईयर लॉन्ग, द कैप्टन हु ब्रॉट ग्लोरी टू KKR ट्वाइस रिटर्न्स एज द मेंटोर। तो गाइस यहां पे ये न्यूज़ बिल्कुल ऑफिशियल है कि गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ करके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में वापस जा रहे हैं एज अ मेंटोर। गौतम गंभीर ने ट्विटर पे खुद कहा, आई एम बैक, आई एम हंग्री, आई एम 23, आमी KKR। तो गाइस ये न्यूज तो बिल्कुल ऑफिशियल है कि गौतम गंभीर KKR के टीम के साथ जुड़ चुके हैं एज ए मेंटर। नेक्स्ट बात करने वाले गाइस IPL के सेकंड ट्रेड के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग ने ऑफिशियल यहाँ पे ट्वीट किया था, आवेश खान ट्रेडेड टू राजस्थान रॉयल, देवदत्त पड्डीकल ट्रेडेड टू लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये न्यूज बिल्कुल ऑफिशियल है, सेकंड ट्रेड हो चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, आगे भी काफी सारी ट्रेड होने वाली है। नेक्स्ट बात करने वाले इंडिया वर्सेस अफ्रीका के सीरीज के बारे में। तो गाइस पहले तो ये अपडेट सामने आ चुका था कि इंडिया वर्सेस अफ्रीका का T20 सीरीज होने वाला है, जो कि 10 दिसंबर से खेला जाएगा, बट गाइस अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियल ट्विटर पे बता दिया गाइस कि टिकट सारे अवेलेबल हो चुके हैं, पहले तीन T20 मैचेस खेले जाएंगे जो कि 10 दिसंबर से शुरू होने वाले। शेड्यूल आप देख सकते हैं गाइस, T20 के बाद तीन ODI मैचेस भी खेले जाएंगे जिसका भी शेड्यूल बाहर आ चुका है। T20 और ODI के बाद दो टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे, इसका भी शेड्यूल बाहर आ चुका है। सो गाइस यहां पे ये टोटल टूर जो है गाइस वो 10 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक होने वाला है। एंड लास्ट बात करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दिल्ली कैपिटल्स हैज रिलीज्ड मनीष पांडे एंड सरफराज खान अहेड ऑफ IPL 2024 ऑक्शन। सो गाइस रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स ऑक्शन से पहले सरफराज खान और मनीष पांडे को रिलीज कर सकती है। 26 नवंबर तक गाइस लास्ट डेट है रिलीज और रिटर्न प्लेयर की लिस्ट जारी करने के लिए। सो गाइस क्रिकेट से रिलेटेड सारे न्यूज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो गाइस सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करो।